दोस्तों मैं अभी अभी ऊपर आया हूँ। मैंने देखा हमारे सेटअप पर ना एक नई कबूतरी आकर बैठी है। ये देखें, मैंने अपने सारे कबूतर सुबह के छोड़े हुए हैं, लगते हैं आज फिर आ गई है। नीचे आने की कर रही है। हम ना जल्दी जल्दी इसे दाना डालते हैं, पहले पानी डालते हैं क्योंकि प्यासी होगी गर्मी की वजह से। भाई देखे, इसको ना कलर भी लगा हुआ है पिंक कलर का। इसके लगता है पर फुल हैं, तो इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत ही प्यारी है, इसे पकड़ना है हमने किसी ना किसी तरीके से। दोस्तों मैंने सोचा हमने एक दो कबूतर उसके साथ बिठा देते हैं, क्योंकि वो फिर ना आधी हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी जल्दी जल्दी। हम ना अपने बच्चे पकड़ते हैं, क्योंकि ये किसी को कुछ नहीं कहते, जो उनसे बड़े हैं वो मारते हैं। तो उधर चला गया, अब इसको बिठाते हैं। मैं भाई हमारे सारे कबूतर उड़ गए हैं, ये एक ही है उसके साथ, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं हम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, देखिए इसके पर कटे हुए, इसलिए नहीं उड़ रही थी। मैं ऊपर आया अचानक से, यार माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। देखे इसकी टेल को ना कलर भी लगा है, लेकिन ना इसके परों की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है। माशाल्लाह मुझे ना कबूतरी लग रही है। इसकी आंखें देखिए यार बहुत ही प्यारी है। इसकी आंखों की साइडों पे ना रिंग बने हुए हैं रेड कलर के। वो हमारी शिराजी कबूतर नहीं, जालिम कबूतर की बीवी, उसकी तरह लग रही है। पर इसके ना बस ये इधर कलर चेंज है माशाल्लाह, बाकी सारी वही कबूतर है। यार बहुत ज़्यादा खुशी कि हमारे सेटअप पर एक और कबूतरी आ गई है। दोस्तों मुझे लगता है ये ना आसपास वाले घर से आई है। इसके एक साइड से तो पर बिल्कुल ही नहीं है, एक साइड से है वो भी कटे हुए हैं। मैं कहता हूँ ये भी ना काट देते हैं, निकाल देते हैं, काटने नहीं है। अगर ये फिर हमारे घर में रहेगी, थोड़ा बहुत भी नहीं उड़ेगी। दोस्तों हमने दोनों पर निकाल दिए माशाल्लाह, अभी इसे फेंक दिए। ये हमारी कबूतरी ना अभी इंशाल्लाह हमारे घर की आधी होगी। इसके लिए कोई ना नया मेल लेके आते, और ये भी फिर हमारे सेटअप पर अंडे देगी। यार इसकी पूछल तो हम निकाल नहीं सकते, टेल ये तो किसी ने बुरे तरीके से निकाली हुई है। ये देखें ये पर माशाल्लाह अच्छे तरीके से आ जाएंगे दोबारा। तो तब तक ये हमारा मास्टर केज कम्प्लीट हो जाएगा, इधर हमारा नया सेटअप बन जाएगा। भाई आप लोग वीडियो भी नहीं पूरी देखते हो, हमारा वॉच टाइम किस तरह पूरा हो गया। मेरे भाई ना बहुत से आधी वीडियो देखते हो और भागने की करते हैं, जिस तरह ने बहुत ज़्यादा काम हो। भाई जल्दी जल्दी मेरा वॉच टाइम भी पूरा करवाएं, और 1000 सब्सक्राइबर भी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। और हमारे सेटअप पर और भी ज़्यादा ना बर्ड्स आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप? ठीक है दोस्तों, हमारे ऊपर वाले कबूतर जो उनसे उड़ने वाले वो खुले हुए हैं। हम जल्दी जल्दी अपने बड़े फौजियों को खुला छोड़ देते हैं। माशाल्लाह सारे ना खुद ब खुद अब बाहर आना शुरू हो गया। ये हमारी सील मुर्गियाँ अंदर है, छोटू गैंग को निकाल दे, डक्स वहाँ पे आराम कर रही है। छोटू गैंग को निकाल देते हम पहले भाई, क्योंकि ये सारा दिन पिंजरे में रहते हैं, इन्हें मैं कुछ नहीं डालता, बाकी को मैं डाल के चला जाता हूँ। क्योंकि ये भाई खुद ब खुद ना पेट भर कर खा लेते हैं। अब आ जाओ भाई, बाहर आ जाओ यार, आ जाओ भाई, हमारी फीमेल नहीं बाहर आ रही। इससे भी भाई हमने बाई निकाली है। भाई मैंने ना इंटरनेट पे देखा कि डक की मेल और फीमेल की पहचान क्या है। मैंने देखा कि ना ये वाला हमारा वाकई मेल है, और ये वाली फीमेल है। भाई इसने इसके टांग के नीचे दे दिया, ये हमारा मेल है, ये वाला फीमेल है। दोस्तों मैं ना अपने जो से पैरट्स है वो भी ऊपर ले आया हूँ, माशाल्लाह बहुत ही प्यारे हैं ये। इनका ना अभी पानी चेंज करना है, और इनके लिए ना मैं अपने बड़े फौजियों के लिए बिरयानी लेके आया हूँ। बाबा ये गरम गरम है, गरम गरम बिरयानी, देखो कराची वालों की बिरयानी बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ पे मशहूर है। हमने कराची वालों से भी ज़्यादा टेस्ट वाली घर में बना ली है। और ये मैं इनके लिए बाउल भर कर लेके आया हूँ, इन्हें डालते देखे इनका अच्छा पानी ना लंगर पानी कर देते हैं हम, ये इसलिए सेहतमंद हो जाते हैं माशाल्लाह। देखे किस तरह पड़े हैं, जिस तरह पाकिस्तानी आवाम चावलों पीछे, इधर पाकिस्तानी मुर्गियां भी भाई चावलों के पीछे होती हैं। ये देखे कितने शौक से खा रही है माशाल्लाह। और दोस्तों हमारी ना जो फीड है वो भी ऊपर पड़ी, और ये भाई देखे इस मुर्गी के काम चेक करें, ये छोपर फाड़ फाड़ कर ना खाई जा रही है। ये देखो यार फीड, ये देखो छोपर में सुराख कर दिए, ये भी उधर जाते हैं और जिन्हें डालते हैं अच्छे तरीके से। आज मैं अकेला हूँ, तंगी हो रही है पर इतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे कज़नों ने पहले ही कुछ छोड़ दिए थे और मैं काफ़ी देर बाद ऊपर आया हूँ। थोड़ी सी ना सार ना चाय के साथ कुछ मीठा है, जिस तरह नमकीन के साथ थोड़ा सा ना मिक्स, और मीठा और नमकीन दोनों आने चाहिए भाई, क्योंकि वो भी हमारी तरह टेस्ट पसंद करते हैं। एक चीज़ डाली जाएंगे वो बोर हो जाएंगे। दोस्तों आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैंने सोचा है अभी कि ना मैं तामिया भरकर पानी का लेके आता हूँ, ठीक है। और ये हमारी नई कबूतरी भी नहाएगी। यार आपने ना कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि इसके लिए मेल लेके आए या ना आए। मैं तो कहता हूँ एक दो दिन सब्र कर लें, क्योंकि जो हमारे मोहल्ले वाले हैं ना वो बहुत ज़्यादा चला के
वो जिसका भी कबूतर अगर ना भी हो ना तो मांगने आ जाते भाई, वो मेरी वीडियो देखते हैं उन लोगों ने अब कहना है कबूतर मेरा है, अब मैं उनसे निशानियाँ पूछूंगा पहले, ठीक है। उन लोगों को पता चल जाए ना कि इसने कबूतर पकड़े हैं, वो मांगने लाजमी आगे। अभी मैं तामिया लेके आया तो पानी का नीचे पड़ रहा है, तो फिर हम ना अपने सारे जो उनसे परिंदे हैं उन्हें नहाएंगे अच्छे तरीके से ठंडे पानी से। भाई साहब मैं ना अभी अपना जो उनसे पानी का तामिया भर के ले आया हूँ, तोतों को अभी हम ना पानी डाल देते हैं क्योंकि उनका चेंज नहीं किया मैंने सुबह का। और ये देखिए हमारे कबूतर ना माशाल्लाह करीब करीब आ रहे हैं और नहाएंगे। ये यार ये बहुत ज़्यादा काम खराब करती है, जब भी कबूतर ने नहाना है ना ये पास आ जाती हैं। मैं सुबह को भी डालता हूँ ये पानी के अंदर सारा गंदा पानी कर देती हैं, पता नहीं क्या मसला है। वो देखिए हमारी कबूतरी ऊपर पानी पीने लग पड़ी है, अंदर भी चले जाएगी। लेकिन ये हमारी जो डक्स है ना नई वाली इंडियन डक्स, ये बहुत ज़्यादा काम खराब करती है। वो हमारे बड़े फौजी अब उधर उधर हैं, ये देखिए इधर सारे ना घूम रहे हैं। अभी इनको पता नहीं बोलना इन लोगों ने फूल ना हल्ला गुल्ला कर देना थी इधर आके सारा पानी गंदा करना था। अब भाई जो सी मेरे फेवरेट है ना छोटू गैंग, छोटी डक्स है जो सी, उनको पानी के अंदर डाल दे, वो अच्छे तरीके से काफ़ी ना नहाते हैं। इन्हें पकड़ते हैं ये देखे बिरयानी खा रहे हैं बड़े शौक से। भाई अंदर ना मैंने गोश्त भी डाला हुआ है अच्छे वाला, हड्डियों वाला, क्योंकि भाई ये हड्डियाँ भी नहीं छोड़ते, खा जाते जितने भूखे हैं। चलो भाई नहाइयाँ कर लो, देखो यार कितनी रिफ्रेश हो रही हैं। माशाल्लाह जो सी हमारी फीमेल है ना बहुत अच्छे तरीके से नहाती हैं, अंदर ही भाई वाशरूम कर लेती हैं, अंदर ही नहाती हैं। और ये देखो ये भाई मिट्टी पे नहा रही हैं, नीचे लेटे मारी जा रही हैं उल्टी। अब ना हम अपने पैरट्स का भाई पानी चेंज कर देते हैं, इसके अंदर पानी है वो भी बेताब है नहाने के लिए। ये देखे क्या करें अपने ना पर आगे पीछे कर रहे हैं। चलो भाई इसे इधर गिरा दिया। अभी यार ये मुझसे दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा है, दरवाज़ा खोलना। एक कज़न आगे पीछे घूमते हैं बस, हेल्प नहीं कराते इतनी ज़्यादा, क्योंकि भाई उन लोगों को ना इन चीज़ों से कुछ को एलर्जी है कुछ को नहीं है। मुझे तो भाई बहुत ज़्यादा इनका शौक है। और ये मैं प्याला ले हूँ भाई, जरासीम बहुत ज़्यादा हो गए थे, मैंने सोचा इसे ना अच्छे तरीके से वाश करें। ये बच्चे हमारे इधर ही घूम रहे हैं माशाल्लाह। यार ये देखिए ये दोनों ही ना माँ बाप पे गए ही नहीं है, मुझे तो लगता है जो उनसे हमारा मेल है वो इस तरह का है, ब्लैक पर निकाल रहे हैं ये। चलो भैया आ जाओ, यह नरम बहुत है, इनके बाल भी बहुत बड़े हैं। अच्छी तरह अपने आप को खुश्क कर लें, फिर हम ना अपनी दूसरी ये बड़ी डक है इसे अभी ये डालते हैं इसके अंदर। ये जब भागती हैं बहुत प्यारी लगती हैं इस तरह कर कर। चलो नहाओ, वो देखो यार ये नहाती नहीं है, पता नहीं क्या मसले इन्हें। ये इंडियन डक्स लगते हैं इसलिए नाम है, जिस तरह वो लोग नहीं नहाते ये भी नहीं नहाती, पता नहीं क्या मसला इन्हें। ये अंदर पाँव रखे रह जाती, क्या हुआ अंदर है? वो कह रहे हैं अंदर जानी है, मेरा कज़न कह रहे इसे, वो अंदर ही जा रही है अंदर। भाई वो चली गई है, हमारे कबूतरों ने भी सारे ने इधर हजूम बनाना शुरू कर दिया, दाना इधर ख़त्म हो गया, मैं डालता हूँ लगता है इसलिए आ रही हैं। साइड पे हो जाए यार सारे जने, इनको ना दाना डाल देते हैं। ये मेरा भाई ये जो सा प्याला है ना, मैंने इसके अंदर अपने काफ़ी ज़्यादा ना पैसे जमा किए थे। ये अलमारी के दरवाजे के पास आ गया, मुझे पता नहीं लगा मैंने दरवाज़ा खोला नीचे गिरा, और भाई मेरे कितने सालों की रकम अंदर से ना पूरे 40 रुपए निकली, और उसके मैंने बहुत ज़्यादा मज़े उड़ाए। चलो भाई खा लो खा लो। यह जो सा हमारा ये सील है ना, ये सुल्तानी बन सकता, ये रानी तो बन सकती है, क्योंकि भाई ये फीमेल निकली है। हमारे मोहल्ले में ना काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे सील रखे हैं नस्ली, मैंने उनके पास एक मुर्गा पसंद किया, उनका उसका कद ना कम से कम मेरे यहाँ पे आते हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है उसका कलर भी। तो वो लड़ाइयों वाला यार मैं इसलिए नहीं लेके आ रहा, इधर लड़ाई हो करोगी रोज़ मुर्गियों की, उसने सारी मुर्गियों की मत मार देनी। मैंने कहा जब ये मास्टर केज हमारा बनेगा ना तब मैं लेके आऊँगा, तब तक ये हमारी मुर्गियाँ भी बड़ी हो जाएगी। तो भाई इस बात का ही बस इंतज़ार है कि जब आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएंगे ना तब भी ये हमारा ये मास्टर केज कंप्लीट होगा। तो भाई जल्दी जल्दी मेरे ना 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं, ताकि हमारा अब जो सा सुल्तान है वो आ जाए, तो हमारी रानी जो सी अभी वो बची है वो बड़ी हो जाएगी, वो फिर बड़े होकर ना तख्ते नशीन बनेगी। तो तब तक ये हमारा मास्टर केज कंप्लीट हो जाएगा, इधर हमारा नया सेटअप बन जाएगा। भाई आप लोग वीडियो भी नहीं पूरी देखते हो, हमारा वॉच टाइम किस तरह पूरा हो गया। मेरे भाई ना बहुत से आधी वीडियो देखते हो और भागने की करते हैं, जिस तरह ने बहुत ज़्यादा काम हो, भाई जल्दी जल्दी मेरा वॉच टाइम भी पूरा करवाएं और 1000 सब्सक्राइबर भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा, और हमारे सेटअप पर और भी ज़्यादा ना बर्ड्स आ जाएंगे। दोस्तों शाम हो गई है, मगरब की अजानियाँ भी शुरू हो गई हैं, ये इधर देखें।
और जो उनसे हमारे जो मुर्गे साहब है ना, ये देखिए भाई इधर ना बिरयानी के इतने ज़्यादा शौकीन अभी तक खाई जा रहे हैं। मैं उन्हें पिंजरे की तरफ लेके जाता हूँ, केज की तरफ, लेकिन जा ही नहीं रहे। बाकी सारे ये देखे चले गए हैं और ये भाई साहब इधर तक अभी तक खा रहे हैं। इसे मैं अभी अंदर बंद कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल इसरार के सबका सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अभी के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।